Okay, good evening, good evening. No, no, no. बच्चों मेरा थोड़ा शाम का सेशन रहता तो गुड इवनिंग बोलने की आदत पड़ गई गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हो कैसे हो आई वॉज uh, you know, से वेटिंग फॉर यू नो माई सेशन टू गो लाइफ एम ऐसे सोच रही थी कब जाएगा कब होगा लाइफ कब होगा लाइफ आई एम लाइफ राइट यू कैन सी मी यू कैन ही देख देख पा रहे हो सुन पा रहे हो ओके <laughs> okay, जी ओके इट्स नॉट न्यू हेयर स्टाइल इट्स लाइक जस्ट आउट ऑफ द यू नो अभी बस बाल धोए और यहाँ आके बैठ गई इट्स दैट हेयर स्टाइल लुकिंग अमेजिंग टुडे ओके थैंक यू सो मच चलो प्री शुरू करें शुरू करते हैं कल ही हमारा सेशन रह गया था क्योंकि मेरा iPad कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इसलिए नहीं तो मुझे मैं, मैं कल ही वापस आई तो मैं बताया वाज यू नो ऑन अ छोटा सा मिनी वेकेशन पे गई थी उसके बाद कल ही वापस आई और कल ही मैंने सोचा कि आज ही मैं तुम्हारा सेशन रखने वाली हूँ एंड देन मैम लेट फाइंड दो नहीं यार ऐसे मत बोलो प्लीज ओके okay? कल यार कल इसलिए नहीं हुआ था ओके okay, चलो चलो शुरू करें तो आज का जो अपना सेशन है दैट इज जो हमारे दिमाग में जो तुम बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हो जिसमें ठीक है बहुत सारे लोग तुम गड़बड़ करते हो और वो क्या है एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ते हो सही तरीके से कैसे पढ़ना है मैं जो मुझे लगता है जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी एंड देन यू हैव टू लेट मी नो कि मैम मैंने ये सब करा और मुझे ये हेल्प हुई ठीक है बताना है हेल्प हुई, हुई नहीं हुई नहीं हुई तो भी बताना है देन आई कैन यू नो कम अप विद अदर टिप्स अगर नहीं भी हुई तो भी बताना ठीक है तो भी बताना और राइट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू जी ओके ओके अच्छा अब शुरू करें नहीं 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 अभी इसी टाइम पे लेक्चर नहीं होंगे लेक्चर अपने होंगे जब मेरे को आपसे कोई और कुछ अलग बात करनी होगी जैसे कि आज मैं एनसीईआरटी के कैसे पढ़ना है वो या फिर अगर किसी दिन मुझे तुमसे टाइम मैनेजमेंट की बात करनी होगी तो मैं तीन बजे के आसपास लूंगी वो सेशन बट हमारे जो थियरी के सेशंस हैं वो अपना वही टाइम रहेगा छः बजे सिक्स पी एम ओके दो स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह एंड आई टीच बॉटनी ऑन दिस चैनल मैं इस चैनल पर बॉटनी पढ़ाती हूँ और एक और बात तो मैं बता देती हूँ कि मेरे जो क्लासेस होंगे वो होंगे मंडे को ओके okay? वेडनेसडे को थर्सडे को फ्राइडे को एंड सैटरडे संडे ठीक है मतलब दो दिन बीच में नहीं हुआ करेंगे ट्यूजडे ओ आई एम सो सॉरी मैंने वेडनेसडे भी लिख दिया ओ oh, मैंने थर्सडे लिख दिया थर्सडे को नहीं होंगे बच्चों ठीक है जी तो दो दिन नहीं हो पाया करेंगे दैट इज ट्यूजडे एंड थर्सडे ठीक है बाकी दिन मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूं हमारा ऑलरेडी एक यू uh, नो you know, मैंने uh, कोर्स चलाया हुआ है अगर <coughs> मैं एक दो दिन में ना एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आने वाली हूं आपके साथ कि क्या प्लानिंग है मेरी फॉर द नेक्स्ट थ्री और फोर मंथ्स कैसे तुम्हारा मैं सिलेबस खत्म कराने वाली हूँ क्या मेरा यू नो स्ट्रेटेजी रहेगी दो तीन दिन में उस तरह का एक सेशन भी लेकर आऊंगी ताकि आप भी उसके साथ अलाइंट हो जाओ सो यस आई एम गार्गी सिंह आई हैव पी एच डी इन माइफोलॉजी एमएससी मैंने करा है बॉटनी में इसलिए मैं पढ़ाती हूँ बॉटनी तुम्हें एक्सपर्ट कर दूंगी बॉटनी में छह साल से पढ़ा रही हूँ आई हैव टॉट एंड टॉप रैंकर्स नाउ इट्स योर टर्न अब तुम्हारी बारी है तीन नए स्पीशीज डिस्कवर करे हैं फंगस के मैम ने और दस रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर दी है कौन से हैं मैम वो सब मतलब ज्यादातर बच्चों को क्रॉसरी होती है तो गूगल पे जाके चेक करना और तुम ही मुझे बताओगे कि कौन से थे ओके okay? देन यू कैन ज्वाइन दिस चैनल आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं अपने सारे pdf share शेयर कर देती हूँ बाकी टीचर्स भी इसी पे अपने सारे पी डी शेयर कर देते हैं कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाहता है प्लस पे क्लासेज लेना चाहता है वहाँ पे रेगुलर क्लासेज होती हैं एक बहुत तरीके से हम वहाँ पे पढ़ाई करते हैं आप क्या बोलते हैं उसको आप आप में भी एक रेगुलैरिटी आ जाती है वहाँ पे क्विजेज होंगे वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं एक महीने में क्या होने वाला है एक हफ्ते में क्या होने वाला है आपको पहले ही पता है अनलिमिटेड एक्सेस है आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं किसी और टीचर के साथ भी पढ़ सकते हैं मतलब आप किसी भी स्टेज पे हो ऑफ नीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ आके पढ़ सकते हैं क्योंकि एवरी वीक अ न्यू कोर्स इज लॉन्च ताकि उस टाइम पे अगर किसी बच्चे ने तैयारी करनी शुरू करेगी तो उसका सिलेबस कैसे पूरा हो दैट्स द बेनिफिट ऑफ प्लस प्लस लेने के आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टेन परसेंट ऑफ मिलेगा इसके साथ साथ जैसे आप गार्गी कोड यूज करते हो मेरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा ओके okay, जी वी ऑल्सो हैव आइकॉनिक आइकॉनिक के प्लस के सारे के सारे बेनिफिट है आपके घर तक नोट्स पहुंच जाएंगे ओके okay? और आपको वन ऑन वन लाइव मेन्टोरशिप मिलेगा ठीक है आपको एक स्टडी प्लानर मिल जाता है जो आपको बताएगा कि आपको किस तरह से अपने दिन की प्लानिंग करनी है किस तरह से महीने की प्लानिंग करनी है और, और भी जो भी तुम्हें तकलीफ होती है ना जिंदगी में वो भी वो दूर कर दे मतलब नीट की प्रिपरेशन में जिंदगी की बात नहीं कर रही हूँ ओके okay, जी आप अपने खुद के डाउट सेशंस लगा सकते हैं जिसमें सिर्फ आप होंगे और आपका टीचर होगा जिसमें सिर्फ आप होंगे और आपका कोई और बच्चा नहीं होगा सो दैट्स आइकॉनिक फॉर यू इधर भी आप मेरा कोड लगाएंगे ऑफ मिलेगा साथ ही साथ यू विल गेट पर्सनल पर्सनल गाइडेंस मेंटोरशिप मेरा एक बैच चल रहा है ड्रीम टीम टू जिसमें मैं अभी पढ़ा रही हूँ फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है और उसमें कौन सा चैप्टर उसमें चैप्टर चल रहा है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ओके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम आजकल बहुत मजा आ रहा है और अगर आप भी चाहते हो कि बहुत अच्छी तरीके से बॉटनी को हम मैम के साथ पढ़ के आ, कर ले समझ ले तो मेरे साथ आके पढ़ सकते हो ये भी हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं अब मैं बात करती हूँ जो अपना यू you नो know, दिक्कत है अपनी दिक्कत है कि हमें ठीक से नहीं पता कि हम एनसीआरटी को कैसे पढ़ें देखो मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जाम्पल देखे लाइव जो मेरे पास मैंने दो तीन स्क्रीन रखे हुए हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगी मैं एनसीआरटी को कैसे पढ़ती हूँ और कैसे मैं रिटेन कर पाती हूँ ओके जी ठीक है ओके okay. ओके okay, जी ठीक है ठीक है ठीक है आज भी क्लास होगी बिल्कुल होगी आज देखो आज छह बजे सिक्स पी एम भी मेरी क्लास होगी ओके सो मंडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे संडे दो दिन नहीं होगी बस बाकी सब दिन छ बजे अपनी क्लास हुआ करेगी लिख लो ये लिख लो ठीक है जी चलो अबे यार काम की बात कर लो शुरू करें पहली बात जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे मान लो कोई कोई भी चैप्टर है कोई भी चैप्टर है जिससे तुम्हें थोड़ा सा लगता है डर ओके एंड यू हैव डिसाइडेड कि आज तो ना मैं ये चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ने वाली हूं पहली चीज दैट आई वांट यू ऑल टू डू इज टू मेक अ फ्लो चार्ट और ये लिख लो अपने बुक में जहां पर भी तुम नोट कर रहे हो ये सिर्फ सेशन अटेंड करने के लिए सेशन नहीं अटेंड करना यहाँ पे गप्पे मारने के लिए हाँ ये सब मत करो Okay, great, great, great. चलो, क्या लिख दिया मैंने चार्ट की जगह क्या लिख दिया बच्चों कुछ और कहा कैसे बनाएंगे देखो आपकी एन सी आर टी में ना कुछ हर एक चैप्टर को आप जो भी चैप्टर देखोगे उसमें कुछ बोल्ड लाइंस दी हुई हैं ठीक है बोल्ड लाइंस दी हुई जो टॉपिक के टॉपिक के नाम दिए हुए हैं टॉपिक नेम्स इन बोल्ड लाइन्स पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप ये करो इन बोल्ड लाइन्स ठीक है तो पहला स्टेप अपना ये होगा कि भाई हम थोड़ा सा फ्लो देखें चैप्टर का क्या चैप्टर के अंदर क्या है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबर्ड सेक्शुअल रीप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो कहाँ से शुरू होगा वो चैप्टर शुरू होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर से ठीक है ना वहां से शुरू होता है ना आपके पास क्या आ जाता है देखो मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊँ उस चैप्टर का तो क्या होगा तो वो तुम्हारा चैप्टर शुरू हो जाएगा विद स्टेमिन है ना स्टेमिन में तुम्हारा क्या आ जाता है स्टेमिन में तुम्हारा आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आ जाएगा मैं आपको बता रही हूं तरीके से आराम आराम से बता रही हूं ऐसे करना आई एम श्योर ये आपको फायदा होगा इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आ गया ठीक है देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ गया पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है ये आ गया करेक्ट देन यू हैव पोलन वायबिलिटी आ गया एंड सो ऑन ऐसे एक छोटा सा आप एक ही पेज पे एक पेज पे उसका पूरा फ्लो चार्ट बना के रख लो सो so दैट पहले तो आप डिसाइड करोगे कि मैं आज के दिन पे इतना चंक करने वाली हूँ अगले दिन ये वाला चंक करने वाली हूं ठीक है एंड एंड सो ऑन मतलब एक दिन में मैं मेल स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी हो जाए चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे कुछ भी एनीथिंग ऑल right. एक ये हो गया करेक्ट 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 दूसरी चीज सेकेंड चीज बच्चों सेकेंड चीज इज यू हैव टू नो वॉट इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू नो यू हैव टू नो यू शुड बी नोइंग वॉट इज इंपॉर्टेंट ये कैसे पता चलेगा मुझे हाउ वुड आई नो कि क्या है क्या है इंपॉर्टेंट है ठीक है ये कैसे पता चलेगा हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू विजिट पी आई क्यूज हम पी वाई क्यूज का दर्शन करेंगे ठीक है पीवाई क्यूज का दर्शन करेंगे पहले तो एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पीवाई क्यूज देख लेने आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम ये क्या बोल रहे हो आप अभी तो मैंने चैप्टर करा नहीं और मैं पहले ही पीवाई क्यू पढ़ नो दिस इज ओनली टू यू नो गेट एन आइडिया कि इस चैप्टर में से जरूरी क्या होता है मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अंडरलाइन कर लो ये भी एक मेरा एक पॉइंट है बताने वाली हूँ ये भी बताऊंगी मैं ठीक है ये भी बताऊंगी मैं ओके जी ये भी बताऊंगी सो so, पहले तो आप क्या करोगे आप पी वाई क्यूज को विजिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि इस चैप्टर में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है देन यू स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर उसके बाद ही शुरू करोगे फ्लो चार्ट बना लिया पहला काम कर लिया मुश्किल काम खत्म कर लिया मतलब हमने क्या करा कि एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी है बहुत बड़ा लगता है हमें बड़ा दिक्कत देता है मॉर्फोलॉजी चैप्टर है चलो उसकी बात कर लेते हैं तो उसका मैंने फ्लो चार्ट बना लिया ठीक है तो नाउ आई हैव इन माय माइंड कि अच्छा पहले ये करना है फिर ये फिर ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा हो जाएगा ठीक है हो जाएगा उसके बाद तुम फीवर क्यूज देखोगे ठीक है so सो दैट तुम्हारे दिमाग में एक 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 यू नो गाइडलाइंस हो कि ये वाली चीज से क्वेश्चन आता है ओके okay? ये करोगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम एनसीईआरटी पूरा का पूरा अंडरलाइन करना शुरू हो जाओ ओके okay? मैम नेट में चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज कहाँ से मिलेंगे <laughs> अरे मिल जाएंगे आपको नेट पे भी मिल जाएंगे एंड अदरवाइज ऑल्सो यू गेट देर आर सो मेनी बुक्स जहाँ पे आपको पीवाई क्यूज मिल जाते हैं डोंट वरी डोंट वरी कितने सारे तो हमारे फिंगर टिप्स है कितना कुछ है अरिहंत वगैरह सबसे मिल जाएंगे ओके okay? तो पहला काम मैंने कर लिया कि फ्लो चार्ट बना ला दूसरा मैंने देख लिया कि क्या जरूरी है ठीक है क्या जरूरी है क्योंकि मैं सारी बुक को अंडरलाइन नहीं करने वाली नहीं तो ये यूजलेस हो जाएगा गंदा करना एनसीआर टी को इट नॉट की तुम नीट क्रैक कर लो ठीक है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम अंडरलाइन करेंगे और वो कैसे पता चलेगा पीवाई क्यू से पता चलेगा दूसरी चीज मेरी यही है कि सब कुछ अंडरलाइन नहीं करा आप देखो ये मान लो ये मेरे पास एक आई हैव दिस यू नो एक छोटा सा मैंने एक तुम्हारे बुक से ही पैराग्राफ उठा लिया अब मैं पढ़ रही हूँ ठीक है अब तुम तुम लोग क्या करते हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो अच्छा ये ये ना ये चलो मैं आज एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो क्या करूंगी इन अ ट्रांसफर कर लेते हैं इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल्स ओहो ये सब अंडरलाइन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट एनसीआर टीचर्स बोलते हैं एनसीआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ओके okay, सब कुछ अंडरलाइन कर लो ये लो कर लिया ये सब अंडरलाइन कर लिया कर लिया सब कुछ चलो हो गया काम अब इससे क्या गड़बड़ होगी दिस इज रॉन्ग डोंट डू डू दिस दिस नॉट ये बिल्कुल नहीं करना अपने को मैंने हटा दिया सब कुछ ये नहीं करेंगे हम हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे इससे गड़बड़ क्या होती है ना बच्चों जब आप फिर से इसको पढ़ोगे यू विल नॉट हैव अ क्लैरिटी कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं ठीक है हमें वो लाइन को अंडरलाइन करना है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं एक एक लाइन को अंडरलाइन करने बैठे ना तो आई विल नॉट इवन फील लाइक ओपनिंग माई बुक रिविजन के टाइम पर रिविजन के टाइम पे मैं बुक को कब इज्जत के साथ खोलने वाली हूँ uh, you know, कब आप ऐसा करोगे कि नहीं मेरे को पढ़ने का मन है कब जब आपको सिर्फ कुछ लाइंस अंडरलाइन दिखेंगी जैसे कि यहाँ पे क्या होगा देखो इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर्स एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर एंड टैपेटम हो गया ठीक है हो गया एंड ये क्या करते हैं प्रोटेक्शन एंडसेंस ऑफ एंथर हो गया मैंने सब कुछ अंडरलाइन नहीं करा देख रहे हो दिस इज हाउ यू रीड एनसीआर हाउ यू हाई लाइट एनसीआर एक और चीज ठीक है चलो आप टेपेटम की बात करें जो भी बोल्ड चीजें लिखी हुई है एनसीआर टी में दो आर इंपॉर्टेंट वो तो है एक और बात मैं तुम्हें बताती हूँ यहां पर <coughs> यहां लिख दो लाइन डोन्ट हाईलाइट एवरीथिंग हाईलाइट Everything ये हो गया यहां पे एक और चीज बतानी है तुम्हें मैंने स्पेशली ये वाला पैराग्राफ क्यों लिया है क्योंकि इससे मेरे दो तीन पर्पज सॉल्व हो रहे हैं जो मैं दो तीन बात बताना चाहती हूँ इससे हो जाएगा आपके एनसीईआरटी में बहुत जगह आपने देखा कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल कैन यू थिंक ऑफ हाउ कैपिटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएट इसको इग्नोर नहीं करना इन्होंने यहां आंसर नहीं दिया है बट दे वॉन्ट यू टू यू नो नो द आंसर यह चाहते हैं कि आपको इसका आंसर पता हो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो जो क्वेश्चन हैं डू नॉट डू नॉट इग्नोर द क्वेश्चन ओके इन क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे डू नॉट डू नॉट इग्नोर क्वेश्चन समझ में आई बात इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस पूछे हुए आंसर नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेगा इस लाइन से भी क्वेश्चन बन जाएगा तो बात करू कि भाई अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है कि लेट अस से कैन यू थिंक हाउ दीस सेल कुड हैव बिकम बाय न्यूक्लियट कैसे बन जाते हैं शायद फ्यूजन हो जाता होगा ठीक है जो आपके सेल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और न्यूक्लियर आराम से फ्लोट कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसलिए ये आपके मल्टी न्यूक्लियट बन जाते हैं बाई न्यूक्लियट बन जाते हैं पॉलीप्लॉइड बन जाते हैं इस च, इस टाइम पे आपको कौन हेल्प करेगा हु इज गोना हेल्प यू हु इज गोना हेल्प यू इन दैट यू हैव टू हैव द राइट मेंटोर ओके आपके पास एक सही टीचर होना चाहिए जो आपको इन लाइंस का मतलब तो बताएगा ही बट जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनका भी आंसर करेगा तो वो तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है देखो अभी ठीक है ठीक है आपके साथ यू हैव सो मेनी ऑप्शन यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स है आप सबके सेशन लगा के ये आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि कौन किस तरह से पढ़ा रहा है कौन मुझे एक एक लाइन का मतलब बताता है कौन मुझे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसका भी मतलब बताता है हु यू नो क्या बोलते हैं उसे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स उसका भी मुझे सोल्यूशन देता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये देखो चलिए यहाँ पे एक स्माइलिंग फेस बना दू यू हैव टू हैव दैट राइट मेंटोर एंड सिंस आई एम अ फीमेल आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम नाइस ब्यूटीफुल हेयर है ना क्यों ना बनाऊ वही जरूर जो तो ना तुम्हारे टीचर्स जो अच्छे वाले हैं वो मेल ही होते हैं हाँ फीमेल भी तो होती है <laughs> So you have to, you have to, yeah, या आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए राइट right मेटोर कौन है कौन आपको एनसीआर से करा सकता है तो मैंने आपको बताया हाईलाइट सब पॉइंट नहीं करने हैं ओके okay? और क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूं दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ओके रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वो देख लो वो क्या कर, इसका क्या मतलब इनर मोस्ट वॉल लेर इज द टेपिटम ठीक है

कौन सा वाला लेयर सब लेयर हेल्प करते हैं नो नॉट ऑल द लेयर्स दे आर हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन नॉट ऑल द लेयर्स दे आर हेल्पिंग इन डेहिसेंस कुछ लेयर्स हैं जिनका मेजर काम होता है डेहिसेंस में हेल्प करना रक्चर करना तो डेहिसेंस में मेजर काम किसका है हेल्प करना एंडोथीशियम दैट लेयर इज एंडोथीशियम मैंने इस एक पैराग्राफ से तुम्हारे ना बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकती हूँ मैं ओके okay? तो ये हो गया रीडिंग बिटवीन द लाइन्स प्रोटेक्शन के लिए कौन हेल्प करता है ज्यादा किसका काम है ज़्यादा प्रोटेक्शन हैव टू यू नो यू हैव टू फॉलो दैट टीचर जो आपको हेल्प करेगा इसी चीज में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स में ओके okay, जी ठीक है जी ओके okay. <laughs> ओके थैंक यू सोमिया थैंक यू सो मच आई एम सो हैप्पी आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हेल्पिंग यू आई एम सो ग्लैड आई एम सो ग्लैड थैंक्स यार थैंक्स दिस इज दिस इज लाइक ये ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने बोला मैं सिलेबस करवाऊंगी निशा बिल्कुल बॉटनी का सिलेबस तो मैं पूरा कराने वाली हूँ ठीक है चलो इतना हो गया अब हमने एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा देख लिया कि हमें कैसे पढ़ना है बच्चों प्लीज ये पॉइंट्स जरूर अपने जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं इनको जरूर 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 यूज करना है इन पॉइंट्स को जरूर आप देखेंगे अगर आप ये मेरे जो टिप्स हैं उनको अपने स्टडी में इंक्लूड करोगे ना तो बहुत फायदा होने वाला है यू आर गोइंग टू थैंक मी ट्रस्ट मी ठीक है सिर्फ इसलिए नहीं आना है यहाँ पे देखो आधे लोग तो गप्पे मारने आ जाते हैं चलो चलो लाइव हो गया सब लोग आएंगे तो गप्पे मारेंगे नहीं बट दो वेरी वेरी सीरियस अबाउट नीट ना मेरी इन बातों को जरा ध्यान दे ध्यान दो ठीक है आपका सच में बहुत भला होने वाला है इतना हो गया आप जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो बता रही हूँ वैसे तो वो सभी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेम क्वेश्चन आप जो भी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं ना उसको क्या करना है एक एक लाइन से ट्राई करो क्या उस लाइन से कोई क्वेश्चन बनता है ट्राई करके देखो So you have to frame अपने ही मन से बनाने, अपने मन से क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिया है दिस इज अलन वायबिलिटी ठीक है देखो वंस दे आर शेड पॉलन ग्रीन दे हैव टू लैंड ऑन स्टिकमा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे है हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायेबिलिटी द पीरियड ऑफ फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबलिए ऑन द प्रिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चलो जितना मैंने ये पढ़ा इसमें से मैं अगर कोई क्वेश्चन बनाऊँ तो क्या क्वेश्चन बना पाऊंगी मैं ये क्वेश्चन बना सकती हूँ कि क्या पता मुझसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन है इनका वायेबिलिटी इनका जोमिनेशन पॉलन ट्यूब बनाना किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है अगर पूछ लिया तो मैं बोलूंगी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अगर उसमें लिख दिया कि भाई सनलाइट ठीक है देखे ना आज क्यू सनलाइट होता है क्या तुम बोलोगे नहीं 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 सनलाइट नहीं होता सनलाइट नहीं लिखा हुआ था एनसीआर में एनसीआर में लिखा होता है एंड ह्यूमिडिटी लाइक दिस यू हैव टू यू नो मेक योर ओन क्वेश्चन यू मे नॉट हैव है इन यूर पी वाई क्यूज बट अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा और सोचना है कि अच्छा किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ठीक है ऐसे रखना है तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दे दिया एक और फैक्टर उन्होंने बोले सनलाइट क्या इसके ऊपर डिपेंडेंट तुम बोलोगे नहीं भाई ये तो नहीं लिखा था ये नहीं लिखा था पीएच तुम लोगों नहीं ये भी नहीं लिखा था सो so, ऐसे ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन थोड़े से फ्रेम करने पड़ेंगे ओके राइट चलो ओके नेक्स्ट चीज जो है नेक्स्ट चीज इज यू हैव टू कनेक्ट द चैप्टर विद अदर चैप्टर यहीं पे बताने वाली हूं देखो इसी के साथ बताने वाली हूं कनेक्ट द चैप्टर विद अदर अदर चैप्टर्स आपका कोई भी एक चैप्टर है ना वो दूसरे के साथ जरूर कहीं ना कहीं पे मिलता मतलब कनेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई रीड दिस लाइन देखो सुन लो अब इन सम सीरियल्स ये देखो इन सम सीरियल सच एज राइस स्वीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन थर्टी मिनट्स ऑफ देयर रिलीज ओके ठीक है बट इन द मेम्बर ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनोसी एंड सोलनेसी दे रिमेन वायबल फॉर मंथ मैं यहां से इसको कनेक्ट करने वाली हूँ आई एम गो कनेक्ट दिस ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं कनेक्ट करने वाली हूं कौन से चैप्टर से मॉर्फोलॉजी से मैं इसको कनेक्ट कर सकती हूँ कैसे कर सकती हूं बच्चों में इसको कनेक्ट ये देखो लिख रही हूँ मॉर्फोलॉजी से कैसे कर सकते हैं हम कनेक्ट या तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा देखो कैसे आ जाएगा कि भाई रोजेसी में लेग्यूमिनेसी में सोलनेसी में कितने टाइम के बाद वाइबल कितने देर तक वायबल रहते हैं ठीक है कितने देर तक वायबल रहते हैं तुम बोलोगे कि अच्छा ठीक है

या फिर जो आपका टोमेटो है ठीक है उसके सीड्स कब तक वाइबल रहेंगे ये पूछ सकते हैं लेगुनेसी? लेगुनेसी में आपका क्या जाता है लेग्यूम कौन सा पी आ जाएगा ओके okay, तो आपको पूछ लेते पी के सीड्स कब तक वाइबल अब ये मत बोलना कि वहां पे तो हमें बताया नहीं था जो पी के सीड्स हैं वो कब तक वाइबल रहते हैं बट इस चैप्टर में तो इसकी बात करिए सिर्फ तो कनेक्ट द चैप्टर्स यू हैव टू कनेक्ट द चैप्टर्स ओके अब द लास्ट थिंग दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज जो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो उसको यहीं पे लिख लेना उसको यहीं पे बाजू में लिख लेना फॉर एग्जाम्पल जब मैं टैपिटम के बारे में पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि टैपिटम सिर्फ नरिश नहीं करता यहाँ पे क्या लिखा है सिर्फ नरिश कर रहा है पॉलन क्रेज को ये नहीं करता इसका एक और काम है इसके मतलब और भी काम है ये एंजाइम्स भी सिक्रिएट करता है मैंने यहीं लिख लिया ये भी ओके ये पॉलन किट भी बनाता है ओके ठीक है ये क्या करता है स्पोरोपोलनिन भी यही सिक कर रहा है लिख लो यहाँ पे ही स्पोरोन भी यही सिक कर रहा है इस तरह के जो नोट ना छोटे से या तो पोस्ट कर लिया करो चिपका लो पोस्टेट लगा लो या फिर साथ में जो छोटी थोड़ी थोड़ी जगह तो दी होती है वहीं पे लिख लो तो दिस इज द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली एंड टू मेक नोट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी इफेक्टिवली फर्स्ट क्या था फ्लो चार्ट बना लो ठीक है दूसरा क्या था डू नॉट

एक अच्छा एजुकेटेड ढूंढ लो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन हैं आप जाके यूट्यूब पे उनके सेशन देख सकते हैं एंड यू कैन यू नो रियलाइज कि अच्छा ये मेरे लिए दिस टीचर वर्क फॉर मी ठीक है मेरे को इनका समझाया हुआ अच्छा लगता है ये सब चीजें करेंगे एंड यस yes, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको बाजू में लिख लेंगे ये कुछ आई थिंक मैंने आपको पाँच सात आठ चीजें बताई हैं उनको अपने एनसीआरटी रीडिंग का जो तुम्हारा टाइम है उसमें इंक्लूड करो ठीक है एंड यू विल नॉट सी यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल इन बायोलॉजी ठीक है एक्चुअली ये चीज़ें आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ भी कर सकते हो आई एम श्योर उसमें भी कनेक्टिविटी बन जाती है आई एम श्योर उसमें भी आप यू नो लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो बट येस बायो के लिए तो मतलब ये एकदम वरदान है थ्री सिक्सटी बायो में कहीं नहीं गए अगर आप एन सी आर टी को ऐसे पढ़ रहे हो आई कैन इश्योर यू दैट आई कैन इश्योर यू डैट ओके ठीक है जी सो यस विद नोट जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा छह बजे भी एक सेशन होगा जिसमें हम इको सिस्टम पढ़ रहे हैं इसी चैनल पे होगा ओके okay? <coughs> चार बजे मेरा रैंकर्स पे होता है एंड एट थर्टी एट थर्टी पी एम एवरी डे आई हैव माई स्पेशल क्लास जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज होंगे इको सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सो प्लीज डोंट फोगेट डोंट फोगेट टू ज्वाइन दिस सेशन एट एट थर्टी साढ़े आठ बजे आप लोग सब पहुंच जाना आपको मेरा एन अकेडमी का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो ये दिस इज एब्सोल्युटली फ्री दिस सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों क्वेश्चन के बिना नीट क्रैक करना इज इम्पॉसिबल ठीक है जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे नीट नहीं क्रैक हो सकता तो एट थर्टी पहुंच जाना

आपको ही दिमाग में रखे कि कोई बच्चा अगर इस हफ्ते ज्वाइन करेगा उसको ये ना लगे कि मेरा तो पिछला छूट गया ठीक है तो एट एनी स्टेज यू कैन ज्वाइन प्लस बिकॉज एवरी वीक न्यू बैचेस आर लॉन्च एंड यू कैन यूज दिस कोड ये कोड लगाएंगे तो मेरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा ठीक है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं एंड यू कैन यू कैन यू नो आस्क मी कभी भी कोई दिक्कत हो मुझसे भी बात कर सकते हो कोई चक्कर नहीं है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन प्लीज जो मैंने बातें बताई हैं उनको दिमाग में रख के उनको फॉलो करके एनसीईआरटी पढ़ना है ठीक है अदरवाइज कोई फायदा है। देखो तुम पता क्या करते हो एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे और फिर बोलते तो, हैं मैंने तो पूरी एनसीईआरटी मैम दस बार पढ़ ली कुछ भी नहीं हुआ कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तरीके से नहीं पढ़ी तो तरीके से पढ़ेंगे और जरूर होगा कुछ नहीं होगा बहुत कुछ होगा ठीक है थ्री सिक्सटी टाइम्स होगा ओके एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट चलो फिर मैं तुम्हें मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में साढ़े आठ बजे सब लोग पहुंच जाना छह बजे भी इसी चैनल पे मेरा क्लास है ओके जी चलो टेक केयर बाय 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 बाय